राधे राधे। नमस्ते जी, सुनाई दे रहा है? हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है। हाँ, राधे राधे। राधे राधे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, चलिए आपकी बात मैंने मान ली, अब मेरे हाथ में माइक आ गया है, अब आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। अच्छा विमलेश जी बताइए, पहले कहाँ रहती थी आप और अब मकान मिल गया, कैसा मकान मिला है? पहले भी हम यहीं रहते थे और पहले हमारा कच्चा और टूटा पुराना मकान था और अब हमारा पक्का और अच्छा बन गया है, इसलिए अब भी हम यहीं रहते हैं। वाह, तो इस बार पक्के मकान में दीपावली होगी? हाँ सर। अच्छा आपको भारत सरकार की और कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है? हाँ सर, हमें जनधन योजना भी मिली है और स्वनिधि खाता लोन भी मिला है और राशन कार्ड भी है और पानी बिजली और सिलेंडर भी है हमारे पास। अच्छा तो आपका परिवार करता क्या है, रोजी रोटी के लिए क्या काम करते हैं? हम सर माला झोली का काम करते हैं। अच्छा, बड़ा माला झोली बनाते हैं। तो लोगों को आप आध्यात्मिक रास्ते पर ले जाते हैं? हाँ सर। अच्छा इस एक काम में कितने सालों से जुड़े, क्योंकि ये बड़ा यूनिक लग रहा है मुझे कि कोई एक ही प्रकार का काम। नहीं सर, हम 2 साल से हम ये काम करते हैं। हाँ। तो कौन थोक में लोग ले जाते हैं कि ऐसे ही बाजार में छोटा छोटा? नहीं सर, हम मंदिरों के बाहर छोटी दुकान लगाते हैं, जैसे राबली है, मलका मैसूर है और मथुरा में भी लगाते हैं। अच्छा, तो कपड़ा बाहर से लाते हैं, कलर किया हुआ कपड़ा लाते हैं? नहीं सर, हम सफेद कपड़ा लाते हैं, घर पे ही लाके रंगते हैं और इसको छाप के बनाते हैं। अरे वाह, यानी सब चीजें आप अकेले करते हैं घर में? नहीं, हम सब मिलके करते हैं। मुझे जानकर के बड़ी खुशी हुई कि आपने पूरी तरह एक प्रकार से मेरी एक जो कल्पना है, 5F, फार्म टू फाइबर टू फैब्रिक टू फैशन टू फॉरेन, आपने भी कपड़ा लिया, कलर के लिया, काट छाट की, उस पर छपाई की और बहुत उपयोगी चीज बना करके आप बेच रही हो। हाँ अच्छा सर। नए घर में जाने के कारण जीवन में क्या बदलाव आ रहा है? अब तो नए घर में गए तो रिश्तेदार भी बहुत आना शुरू हो गए होंगे। हाँ, पहले हमारा टूटा मकान था तो रिश्तेदार भी आते थे तो थोड़ी शर्म महसूस होती थी और अब हमारा पक्का मकान बन गया है तो इसलिए अब हमें बहुत अच्छा लगता है और रिश्तेदार भी बहुत आते हैं। तो फिर आपको खर्चा भी बढ़ गया होगा? अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर तो अखबार में छपेगा कि मोदी जी ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, मकान दे दिया, मेहमान बढ़ गए, खर्चा बढ़ गया, गरीब बेचारा खर्चा कहाँ से निकालेगा? सब लोग यही कहेंगे। अच्छा बच्चे क्या पढ़ते हैं? हाँ सर, बच्चे तीनों पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या किस क्लास में पढ़ते हैं? बड़ी लड़की 5वीं क्लास में पढ़ती है, छोटी लड़की 3री क्लास में पढ़ती है और छोटा लड़का है वो LKG में पढ़ता है। सबको पढ़ाओगे आगे? हाँ सर। पक्का पढ़ाओगे? हाँ सर, जितना होगा। देखिए जैसे जैसे आपको गैस का चूल्हा मिला है, बिजली मिली है, आपको ये मकान मिला है, वैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए भी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। आप जरूर इस योजनाओं का लाभ लेना और बेटी को तो खास पढ़ाना। यस सर। ऐसा मत करना कि बेटी को भी ये पूजा की झोली बनाने में लगा दें आप। चलिए मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। अब इस बार आपका दशहरा, आपकी दिवाली, आपकी छठ, ये पक्के और नए घर में बनेगी, बहुत खुशियों का पार नहीं होगा।
मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मेरी तरफ से मोदी जी को और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद।